फैसला लिया है जिदे नाल तुहानू रूबरू कराउण लई जां तुहाडे राही पंजाब नू रूबरू कराउण वास्ते मैं हाजिर होया। तुहानू सारयां नू पता है लगातार मान साहब की सरकार पंजाब दे हरेक वर्ग वास्ते हरेक तरीके नाल उन्हां दी बेहतरी लई वध तों वध सरकार जिहड़ी है एफर्ट कर रही है। इस कड़ी आपां पिछले दिनां च देखिया है कि जे पीपल वैलफेयर की गल करिए 90% तो वध बिजली लोगों नू फ्री मिली है। किसानां दी गल करिए 13,000 तो वध खाला नवीं कूलां बना के पानी खेतों तक नहरी पानी पहुँचाया है। जे नौकरियों की गल करिए 40,000 के करीब जे नौकरियां दित्तियां ते ऑन मैरिट दित्तियां है। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई सिफारिश भाई भतीजावाद होया। तो जे गल करिए रेवन्यू की तो लगातार पंजाब के हरेक महकमे का चाहे वह एक्साइज होवे चाहे ट्रांसपोर्ट होवे चाहे तमाम जिहड़े वो महकमे का रेवन्यू कलैक्शन वध्या नाल नाल जिहड़ी करप्शन ते ठल पई है। और साडा जिहड़ा अहम वर्ग है कर्मचारी वर्ग उहनू लैके अज मान साहब की सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि अज पंजाब सरकार ने 4% DA की बढ़ोतरी जिहड़ा आ पंजाब के जिहड़े इंपलॉइज है इंपलॉइज वास्ते की है। 1 जनवरी 2023 तो यह जिहड़ा लागू होगा। मैं तुहानू एग्जैक्ट दस दिना ते सब तो वड्डी गल इह आ कि साढ़े तकरीबन 3.5 लाख पेंशनर ते 3,25,000 जिहड़े इंपलॉई है इहदे कवर होणगे। 1100 करोड़ रुपए का पंजाब दे खजाने ते जिहड़ा आ इहदा असर हर साल खर्चा वधूगा। और पंजाब सरकार की ये जिम्मेवारी है कि अपने कर्मचारियों लई जिहड़े लगातार दिन रात मेहनत करके पंजाब नू तरक्कियां दे राह ते लैके जा रहे उन्हां दी बेहतरी लई वध तों वध कम करिए। पिछले दिनां च असी 12,000 जे टीचर मिला पक्के कीते आ उहदे पिछे ही मकसद सी। कई कई साल हो गए दहाके हो गए कि जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते या गैसट लैक्चरार फैकल्टी दे रूप च 5-5, 10-10 हज़ार ते अपना घर बार बड़ा औखा तरीके ना चला रहे सी उन्हां नू पक्का कीता। नाल नाल चाहे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दा पे स्केल लागू करन दी UGC पे स्केल लागू करन दी गल होवे जिहड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज लैक्चरार है यूनिवर्सिटी प्रोफेसरस ते सो तमाम तरीके नाल भगवंत सिंह मान जी दी सरकार आम आदमी पार्टी दी सरकार पंजाब दे हरेक वर्ग लई दिन रात जिहड़ा आ उन्हां नू नाल लैके उन्हां दी बेहतरी लई नाल नाल उन्हां दे राही पंजाब दी बेहतरी लई कम कर रहे हैं। और उसे कड़ी च अज जिहड़ा 4% DA जिहड़ा कई मतलब दिनों तो मंग भी चल रही सी अज बड़े ही सुखावें माहौल च माननयोग मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग भी की जिहड़ियां साडियां इंपलॉई यूनियनस ने। और तुसीं देखिया तुहाडे कई मीडिया दे साथियों ने कवर किया है मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिहड़े बाकी जिहड़े मसले उन्हां दे कई मिसलेनियस उन्हां नू लैके अफसर साहबाना की एक कमेटी जिहड़ी है वह बना रहे हैं और उहदे च इंपलॉई यूनियन दे जिहड़ा नुमाइंदा उहनूं भी रखा जाऊगा। ओल्ड पेंशन स्कीम नू लैके भी एक इशू सी जिहनूं लैके मुख्यमंत्री जी ने यह इंश्योर किया है यूनियनस नू कि एज सून एज पॉसीबल जिहड़ा आ केंद्र सरकार नाल ओल्ड पेंशन स्कीम नू जिहड़ा आ टेकअप किया जाऊगा। और अज 4% DA की बढ़ोतरी उस ही दिशा च एक अहम कदम है एक अहम फैसला आ। और साडे कर्मचारियों की जिहड़ी मंग सी कर्मचारियों का जिहड़ा हक सी उहनू कंसीडर करते हुए पंजाब सरकार ने अहम फैसला लिया। सो पंजाब दे सारे ही पंजाबियों नू तुहाडे राही मैं सिर्फ यही बेनती करूँगा कि तुसी जिस उम्मीदा नाल जिस भरोसे नाल सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार नू एडा वड्डा मंडेट दिता है मान साहब लगातार
हरेक चाहे वह जवानी की गल किसानी की गल कर्मचारियों की गल कारोबारियों की गल हरेक वर्ग वास्ते लगातार मेहनत कर रहे और असी सारिया ने मिल के हरेक वर्ग ने मिल के पंजाब नू तरक्कियां दियां नवियां जिहड़ियां उचाइयां ते लैके जाना है पंजाब नू एक रंगला पंजाब बनाउणा उच्च साडे कर्मचारी भरावां दी बहुत वड्डा अहमियत है रोल है सो उन्हां नू अज एक खुशखबरी है और उन्हां दा इस गल ही असीं धन्नवाद भी करदे हां कि लगातार दिन रात मेहनत करके वह पंजाब की तरक्की च अपना वड्डा योगदान पा रहा है पंजाब सरकार हरेक पंजाबी दे नाल डट के खड़ी उन्हां दे हक लई उन्हां दे फायदे लई उन्हां दीआं जरूरतां लई लगातार पंजाब सरकार अगे वधदी रहेगी उन्हां दा साथ दिंदी रहेगी सो बहुत धन्नवाद तुहाडा इस विषय ते कोई सवाल होवे तां तुसीं कर सकदे हो सॉरी मैं उहदे च थोड़ा जिहा एक दिसंबर हाँ 1 दिसंबर 2023 तो है तो मेरे हाँ जी सर 8 नवंबर तो जिहड़े सारे मुलाजम जिहड़े सीगे हड़ताल ते सीगे ते काफी लंबा समा रहा जिहड़ा है सी डी संघर्ष करना रहा है कि जदों असीं गल्लबात कीती कहिंदे कि शायद कोई मिसकम्युनिकेशन रह गया सीगा जिस करके सीएम साहब नाल मीटिंग लेट हुई नहीं वो तो तुसी मैं देख रहा सी तुहाडे साथी मेरे तुहाडे वर्गे मीडिया दे साथियों नाल गल्लबात देखो संवाद वास्ते माणयोग मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ही पहल की है चाहे वह किसान यूनियन होवे इंपलॉई यूनियन हो चाहे टीचर्स यूनियनस हो क्योंकि सरकार सारिया नाल मिलके चलती है सारे वर्गों की सरकार तो ठीक है कभी क्योंकि रुझेवे भी बहुत होंगे मुख्यमंत्री जी के इस दे बावजूद भी असी मैक्सिमम कोशिश करते हैं हरेक नाल संवाद करके मसलों और इस गलू अज इंपलॉई यूनियन ने भी रिकोगनाइज किया कि यह धरने प्रदर्शन की बजाय असी संवाद के राही मसलों का हल कढ़ीए क्योंकि मसलों का हल तो सारिया ने मिलकर ही कढ़ना है और सरकार की मंशा भी पंजाब नूं अगे ले जाण दी है तो सारे वर्ग आ जिहड़े चाहे इंपलॉई यूनियन है साडे बाकी उन्हां दा अल्टीमेटली गोल तो पंजाब नूं अगे लैके जाणा है।